हेलो फ्रेंड्स, होम फूड्स बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नाचो चिप्स। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक कटोरी मक्के का आटा ले लिया है, आधा कटोरी मैदा ले लिया है। इन दोनों को हमने एक ही कटोरी से नापा है। जिस कटोरी से मैंने मक्के का आटा नापा था, उसी कटोरी से आधा कटोरी मैदा नापा है। तो चलिए हम अपने नाचो चिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन में मक्के का आटा ले लिया है, इसमें हम मैदा मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम हल्दी, ओरेगेनो और नमक स्वादानुसार। और 2 चम्मच तेल। इन सभी को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका एक डो बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमारा आटा लग के तैयार है। चलिए हम इसके चिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक लोई लेके इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसकी पतली सी रोटी बेल लेंगे। जो इसके साइड्स हैं, जो फट रहे हैं, इन्हें भी हम सही करते जाएंगे हाथों से। हमने इसे बेल लिया है, अब इसे हम चौकोन शेप में कट करेंगे। जो इसका एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। फिर वापस से इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब देख सकते हैं 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। फिर से इसे हम इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट कटे हैं, न ज़्यादा मोटे न ज़्यादा पतले। चलिए इसी तरीके से हम सबरे चिप्स बना लेंगे। इन्हें हम फोक से इस तरीके से बीच बीच में छेद कर लेंगे, जिससे ये फूलेंगे नहीं। आप चाहें तो जब इसकी रोटी बेलते हैं उसके बाद ही इसे इस तरीके से फोक से इनमें छेद कर दीजिए, उसके बाद इन्हें कट कर लीजिए। इन्हें हम अभी प्लेट में एक साइड में निकाल के रख लेंगे और इसी तरीके से अपने दूसरे चिप्स भी बना लेंगे। हमारे सभी नाचो चिप्स बनके तैयार हैं। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब अपने चिप्सों को तल लेंगे। इन्हें हम अच्छा क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। हमारे चिप्स तल चुके हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी के चिप्स भी तल लेंगे। हमारे नाचो चिप्स बनके तैयार हैं। इसे मैंने सालसा के साथ सर्व किया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
एकदम क्रिस्पी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू और मेरे चैनल होम फूड्स बाय चंचल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।